हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी जीएस की क्लासेस में, जिसमें हम हमेशा आपके साथ टॉप 50 जो स्पेशल कुछ होता है वो शेयर करते रहते हैं। जैसे कि अब तक हम आपसे शेयर कर चुके हैं टॉप 50 इन्वेंशंस, टॉप 50 इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। बट एक चीज़ आपको समझने लायक है, जब हम लोग पार्ट वन पार्ट टू लिख रहे हैं ना, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि पार्ट टू में भी 50 एडिट रहेंगे, मतलब 50 पहले पार्ट में, 50 दूसरे पार्ट में, और फिर अगले में भी हम उसी के 50 क्वेश्चन अलग से लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है गाइस, तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, इससे पहले मैंने आपके साथ जो पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें हमने बोला था भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो महान व्यक्ति जिन्होंने बहुत योगदान किया है, और उनके प्रमुख योगदान जो थे वो हमने आपके साथ शेयर किए थे। तो उसमें मैंने आपसे टॉप 50 शेयर किए थे। अब आगे के उसके जो टॉप 50 है, मतलब कहने का क्या हो गया आपका, मैं जितना हो सके उतना आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगा। 50 हो चुके हैं, देन उसके बाद 50 तो मतलब 100 हो गए, है ना। तो चलिए आज हम आगे के 50 पढ़ते हैं, उसके आगे के 50 महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट मैन फ्रॉम इंडिया एंड देयर वर्क। चलिए अब देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। खालिस्तान आंदोलन जो हुआ था, ये इसके कौन जनक थे, ये किसके द्वारा हुआ था? तो खालिस्तान आंदोलन हुआ था डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान के द्वारा। किनके द्वारा? जगजीत सिंह चौहान के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो था आपका, वो किसने किया था? तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। लेकिन इसका जो नारा था, अभी तक इशू चला नारा, वो नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने इसका नारा दिया था। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। किसने किया था? तो भाई वो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा किया गया था। लेकिन इसका नारा किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों की खोज भारत में किसने की थी? तो पांद्रे टिपेन टोलर, अगर मैं नाम पढ़ूं पांद्रे टिपेन टोलर ने की थी। मैं अगला प्रश्न आपके सामने लेके आता हूं, जो आज का पांचवा प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षित किया, मतलब दीक्षा दी, वो किसने दी थी? तो ये दी थी आपके उपगुप्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं देख लूं, गुप्त वंश की स्थापना, तो इनकी स्थापना किसने की थी? देखो ये आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके श्री गुप्त ने। किसने की थी? श्री गुप्त ने। एरन की खोज अगर मैं बोलूं, एरन की खोज किसने की थी? एरन एक शिलालेख है। अगर मैं बात करूं एरन की खोज, तो एरन क्या एक शिलालेख है, इसकी खोज भारत के ही केडी वाजपेयी ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये की थी भारत के ही है ये श्रीधर वाकड़कर ने, भीमबेटका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का नौवां प्रश्न, सांची स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो एक महान, हमारे अगर बोला जाए विदिशा के पास एक लोकेशन है सांची स्तूप, वो बहुत ही महान स्थान है, वो जो उस स्थान की जो स्थापना है वो किसने कराई थी? तो उसकी स्थापना कराई थी आपकी अशोक ने। हम देखें वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर स्थापना करा दी। सांची स्तूपों की खोज किसने की थी? तो ये की थी जनरल टेलर ने। जो अगला प्रश्न ने हमारा वो क्या है, सांची स्तूपों की खोज, तो ये किसने की थी? जनरल टेलर ने। अगला प्रश्न मैं अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों नरसिंह वर्मन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इनमें से आएगा, आप ये लिख कर ले लो जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने, जिन्हें चंदेल राजा, कौन थे वो? चंदेल राजा थे, जिन्हें चंदेल राजा कहा जाता है। खजुराहो मंदिरों की खोज किसने की थी? अगर मैं कहूं खजुराहो मंदिरों की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड लॉयल ने की थी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? अल्फ्रेड लॉयल ने की थी। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश की बात हो रही है, तो ये था कुजूल कदफिस। कौन था? कुजूल कदफिस था। आपको ये बहुत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक, ये हर दूसरे एग्जाम में जिसमें भी आपसे पूछा जाएगा आयुर्वेद के जनक कौन है, तो धन्वंतरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला मैं आपके सामने आज का 15वां क्वेश्चन अगर लेके आऊं, तो शल्य चिकित्सा, तो इसका आंसर क्या है? शल्य चिकित्सा की खोज किसने की थी? इसके जनक किसे कहा जाता है? तो यह सुषुप्त। कौन है? सुषुप्त। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों, सूर्य सिद्धांत जो आपका आया है वो किसके द्वारा आया है?
ठीक है, सन प्रिंसिपल इंडिया में अगर बोला जाए तो इसके कौन है जनक, तो आर्यभट्ट हैं इंडिया में अगर बात करी जाए तो, है ना। और अगली बार जो आपको मैं बोलूं सूर्य सिद्धांत के जनक आर्यभट्ट हैं, जो अगली क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसके द्वारा, तो चंद बरदाई। अगर मैं आपसे कहूं तो चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं ये, अगर मैं बोलूं तो इनने कौन सी लिखी, चंद बरदाई ने, और ये किसके काल में थे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे ये चंद बरदाई। ठीक है, मैंने इनकी डिटेल फुल दे दी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये हैं दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, पुरातत्व विभाग का संस्थापक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न मैं अगर आपके सामने पढ़ूं तो वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन ये जो प्रोसेस है आपका, इसके जनक कौन है, तो भाई आप वेदों की बात यहां पर मैंने करी है, नाम तो जर्मनी का है लेकिन वेद हैं कहां के, इंडिया के ही हैं वेद, तो इसलिए हम इन्हें भारत में काउंट कर लेते हैं कि भारत में जो खोज हुई है उसमें, तो ये है मैक्स मूलर, लेकिन ये है कहां के, तो ये है जर्मनी के। अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, जो आज का 21वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक, अगर मैं बोलूं पाटलिपुत्र जो है उसके संस्थापक, जिनने उसकी स्थापना करी, कौन थे, तो वो थे उदयन। कौन थे, उदयन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत किसके द्वारा दी गई थी, ये 22वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा विक्रमादित्य, किसके द्वारा, राजा विक्रमादित्य। अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, शक संवत, क्या, शक संवत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये था कनिष्क के द्वारा। विक्रम संवत की जब बात होगी तो राजा विक्रमादित्य, और जब शक संवत की बात होगी तो कनिष्क। अगला क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो भाई ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हमने शेयर कर लिए इसमें से। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। भक्ति आंदोलन की अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, फ्रेंड्स, तो भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, अगर मैं आपसे कहूं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, तो ये किसने किया भाई, किसके द्वारा है पुनरुत्थान, तो ये है शंकराचार्य। आप सभी जानते हैं इनका नाम, हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य। हाँ, अब अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो सर्वप्रथम मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो था बाबर आपका, जो मुगल वंश को यहां लेकर आया था। अब हम बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, अमृतसर से होके गई है ये रोड, बहुत लंबी रोड है, जोड़ती है मार्गो को, तो बहुत बड़ा रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका जो निर्माण है किसने किया हुआ है, तो ये किया हुआ है आपका शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न अगर मैं आपके सामने रखूं, तो रुपए का प्रचलन, देखो ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता अगर मैं आपसे बोलूं तो कौन है, शेरशाह सूरी। और अगर मैं आपसे 29 जो मेरा क्वेश्चन है रुपए का प्रचलन उसके जस्ट बाद उसकी बात करूं, तो उसको कौन लाया था रुपए का प्रचलन, तो शेरशाह सूरी। कौन लाया था भारत में, शेरशाह सूरी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश बोला जाता है, अधिकतर इसका आंसर एक ही दिया जाता है आपको, ऑप्शन में इल्तुतमिश बहुत कम मिलेगा, लेकिन इल्तुतमिश का भी योगदान था इसमें, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर हमेशा आता है एग्जाम में। बाजार नीति, जो बाजार की नीति है, व्यापार नीति, ये किसको द्वारा दी गई थी, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा दी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लोह एवं रक्त नीति, सजदा प्रथा एवं नौ रोज त्योहार, ये जो प्रोसेस है लोह एवं रक्त नीति, सजदा प्रथा एवं नौ रोज त्योहार, तो ये इसके जनक कौन है, तो बलवन। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, तो सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया था, जो सोमनाथ मंदिर था उसका जो नाश हुआ था, जो उस पर अटैक हुआ था, वो किसके द्वारा किया था, तो मोहम्मद गजनबी द्वारा। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, देखो विनाश किसने किया था, विध्वंस किसने किया था, कुछ भी हो सकता है, मोहम्मद गजनबी। तो
अगर निर्माण की पुनर्निर्माण की बात करूं उसके बाद तो ये कर रहा था सरदार पटेल जी ने। किसने? सरदार पटेल जी ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था आपका दोस्तों? तो मैं बताऊंगा आपको, मीर बाकी ने। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। ताजमहल का वास्तुकार? तो उस्ताद ईसा ने। किसने? उस्ताद ईसा ने। वास्तुकार आप समझ गए होंगे। अगला मैं अगर आपसे बोलूं, दीन ए इलाही धर्म, सुलह कुल की नीति, इबादत खाने की स्थापना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, मजहर की घोषणा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही धर्म, फिर से मैं आपके लिए बोल दे रहा हूं, सुलह कुल की नीति, इबादत खाने की स्थापना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण और मजहर की घोषणा। ये जितने भी आपके द्वारा मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें किसके द्वारा की गई थी? ये सारे दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा लाया गया, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा लाई गई, इबादत खाने की स्थापना किसके द्वारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, मजहर की घोषणा, ये पांचों काम किसके द्वारा किए गए? तो ये किए गए थे आपके अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर। अगला अगर मैं आपसे कहूं, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मतलब संकेतों के द्वारा दी जाने वाली मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा लाना और राजधानी को चेंज करना, ये किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो ये जो इसकी देन दी थी, ये थी मोहम्मद तुगलक ने। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न पढ़ता हूं मैं आपके सामने, आगरा का संस्थापक कौन था? तो आगरा का संस्थापक था सिकंदर लोदी दोस्तों। कौन था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, जयपुर का संस्थापक कौन था? तो सवाई राजा जयसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर का संस्थापक सवाई राजा जयसिंह। अगला प्रश्न उसी के रिलेटेड है, जंतर मंतर के संस्थापक कौन थे? तो ये भी थे सवाई राजा जयसिंह। अगला प्रश्न अगर मैं पढूं, चारों मठों के संस्थापक, चार मठ थे उनके संस्थापक कौन है? तो हमारे गुरु शंकराचार्य जी हैं ये। माउंट आबू मंदिरों के निर्माता किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न क्या है, माउंट आबू मंदिरों के निर्माता कहा जाता है, ये कहा जाता है विमल शाह को। किसे कहा जाता है? विमल शाह को। भारत में दिल्ली के वास्तुकार कौन? दिल्ली के जो वास्तुकार है, दिल्ली में जो वास्तुकला हुई है, वास्तुकार हुए, नई दिल्ली में जो हुआ है, ये किसके द्वारा दिया गया है? भाई आज की डेट में नई दिल्ली कहा जाता है, एडविन लुटियंस। इसके कौन है? एडविन लुटियंस। तो अगली बार मैं आपको अगला जो क्वेश्चन है वो बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है? राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार भी कौन होंगे? भाई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहां है? दिल्ली में। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। तो दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के भी कौन होंगे? एडविन लुटियंस। इनका नाम याद करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप ये सोचो वास्तुकार जरूर करके गए लेकिन हमसे बहुत सारा पैसा लूट के चले गए, तो इनका नाम क्या हो गया? लुटियंस। आपको समझ में आ गया होगा, याद करने की ट्रिक बोल रहा हूं कैसे याद करना है, ठीक है। अगला देखूं, संसद कहां पर है? आपकी दिल्ली में, वो भी संसद के वास्तुकार कौन है भाई? तो वो भी है एडविन लुटियंस, लेकिन इसमें एक और नाम जुड़ जाता है, वो है एवं हार्वर्ड वेकर। कौन है? हार्वर्ड वेकर। तो आपको ये याद रखना है, संसद में दो लोग हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं दोस्तों, तो कोलकाता का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह है जाप चारनाक। कोलकाता का कौन है? जाप चारनाक। मुंबई का संस्थापक अगर मैं देखूं तो कौन है भाई? आर्नोल्ड ऑक्सियर। कौन है? आर्नोल्ड ऑक्सियर है मुंबई का संस्थापक। अब बात करी जाए भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है, वहां पर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसका जो वास्तुकार है वो कौन है भाई? तो वो है कॉनिस बर्गर। कौन है? कॉनिस बर्गर। अगला क्वेश्चन बोलूं भाई, अगला क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपके सामने, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, टोटल 100 हो चुके हैं, याद रखिएगा 50 में पहले शेयर कर चुका था, 50 मैंने आज शेयर करें, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है मैंने, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ये है ली कार्बोरियर। कौन है भाई? ली कार्बोरियर। तो आई होप जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये आपने पूरे तरीके से याद कर लिया है। आप लोग जैसे जैसे मैं बताते चलता हूं याद करते रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ और भी आप लोगों के लिए लेकर आए, कुछ विशेष टॉपिक्स पे आप चाहते हैं हम कुछ बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना शेयर हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस फ्रेंड्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।